वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के बारे में वेरियस कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन के लिए जनरल साइंस के पोर्शन को डिक्लेयर किया गया है और ऑल इंडिया टेट टेस्ट जो जुलाई में होने जा रही है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वर्क किसको कहते हैं, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्ज बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। वेक्टर फॉर्म में यह होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। जब हम लोग ए डॉट बी का वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट का, तो ये होगा एफ एस कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में अगर थीटा एंगल जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो डिग्री का मान होता है वन। वर्क की यूनिट सीजीएस में अर्ग है, एसआई यूनिट में जूल है, और इस सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में जो रिलेशन है वन जूल बराबर टेन टू द पावर सेवन अर्ग होता है, क्योंकि वन जूल बराबर वन न्यूटन इंटू वन मीटर है, और वन न्यूटन बराबर टेन टू द पावर फाइव डाइन, और वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर यानी टेन टू द पावर फाइव डाइन इंटू टेन टू द पावर टू सेंटीमीटर, फिर टेन टू द पावर फाइव इंटू टेन टू द पावर टू डाइन सेंटीमीटर। पावर जुट जाएगा इंडिसेस के फॉर्मूला से टेन टू द पावर सेवन आर। इनर्जी टोटल कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की कुल क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की इकाई सीजीएस यूनिट में अर्ग है और एसआई यूनिट में जूल है। मैकेनिकल साइंस में दो तरह का एनर्जी होता है, स्थिति ऊर्जा जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला है एम डी एच, एम मास ऑफ द बॉडी, डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हाइट है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, या एम मास ऑफ द बॉडी है, बी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है। पावर पावर यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बाय समय यानी वर्क बाय टाइम यानी डब्ल्यू बाय टी, इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग पर सेकेंड है और एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड है। वन अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो इस प्रकार इस वीडियो में वर्क पावर एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म डिक्लेयर किया गया है, जिससे आप एग्जामिनेशन में सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।